हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गेमिंग टेक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग की बात कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के भी जो यहाँ पे थर्ड T20 मैच होने वाला, उसकी मैं आप लोग को यहाँ पे ड्रीम इलेवन की प्राइम टीम आपको देने वाला हूँ। साथ में ग्रैंड लीग के बारे में हम लोग थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे प्लेयर है जो आपके लिए यहाँ पे ग्रैंड लीग में एज ए की प्लेयर साबित हो सकते हैं, जिन पर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हो। प्लस हम लोग जानेंगे थोड़ा सा यहाँ पे पिच रिपोर्ट वगैरह के बारे में कि पिच किस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट करने वाला, क्योंकि ये पिच भी थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रेंड। तो सबसे पहले चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे पिच के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंट ब्यूरियन के ग्राउंड में ये मैच होगा। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे एक टेस्ट मैच ऑलरेडी इन दोनों टीमों के बीच में हो चुका है, उसकी हम थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज करेंगे किस तरीके से ये पिच सपोर्ट करता है फ्रेंड्स किस बैट्समैन को। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका की फर्स्ट इनिंग के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोगों को जो प्लेयर यहाँ पे खेलते हुए दिख रहे हैं फ्रेंड्स, उन्हीं के बारे में आपको बताऊँ। तो यहाँ पे क्वांटम डी कॉक ने फ्रेंड्स 95 रन की इनिंग खेली थी, तो काफी अच्छा यहाँ पे क्वांटम डी कॉक का रिकॉर्ड है। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पे रुसैन वांडन डुसैन का भी रिकॉर्ड अच्छा है। फिर यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में जो प्लेयर यहाँ पे खेले हैं उनके बारे में आपको बता दूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई है नहीं, लेकिन एक और बैट्समैन आपको यहाँ पे दिखेगा फ्रेंड्स जो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा खेलता है, तो उसका नाम है फ्रेंड्स यहाँ पे जो डैनली को आप लोग देखोगे यहाँ पे 50 रन का इन्होंने स्कोर किया, प्लस बॉलिंग से भी यहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर लेते हैं इस बीच में। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग डीकॉक का देखोगे फिर से 29 रन की एक इनिंग खेली। फिर यहाँ पे स्टॉक का भी अच्छा खासा रिकॉर्ड है, 35 रन का यहाँ पे स्टॉक ने भी इनिंग खेली है। अब फ्रेंड्स और प्लेयर के बारे में हम यहाँ पे बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देखोगे रुसैन वांडर डुसैन ने यहाँ पे 51 रन की इनिंग खेली, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे अच्छा खासा रिकॉर्ड है। फिर डीकॉक ने यहाँ पे फ्रेंड 34 रन की इनिंग खेली है। इसके अलावा यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में बताओ फ्रेंड्स, तो स्टॉक ने यहाँ पे 2 विकेट निकाले हैं, तो स्टॉक का फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। तो स्टॉक आपके लिए एक स्पेशल पिक होने वाले इस मैच में। तो फ्रेंड्स फिर यहाँ पे हम दूसरे फिर से यहाँ पे लास्ट इनिंग की बात करेंगे, तो यहाँ पे स्टॉक ने 14 रन मारे हैं। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देखोगे बटलर ने 22 रन मारे हैं, तो बटलर का तो फ्रेंड्स वैसे ही फॉर्म भी अच्छा नहीं चल रहा, इस पिच पे रिकॉर्ड भी कुछ खास मुझे दिखा नहीं। फिर यहाँ पे केशव महाराज का ठीक ठाक यहाँ पे परफॉर्मेंस है फ्रेंड्स, देखोगे यहाँ पे 2 विकेट केशव महाराज ने निकाले। ठीक है, तो ये तो रहा फ्रेंड्स इस पिच का रिकॉर्ड। फिर यहाँ पे पिच की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, बेसिकली ये पिच सपोर्ट करता है सुपर स्पोर्ट्स पार्क है फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो ये पिच बेसिकली यहाँ पे जो पेसर बॉलर है जैसे मार्कवुड हो गए, लोंगी नगीड़ी हो गए, इनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट करता, प्लस बैट्समैन को भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट करता। तो फ्रेंड्स इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि पिच किस तरीके से बिहेव करता, कौन से बैट्समैन इस पिच पे अच्छा खासा रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब बात करेंगे सीधे हम टीम की यार, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन में आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला नाम है यहाँ पे क्वांटम डीकॉक का, जो काफ़ी अच्छे टच में लग रहे हैं। लास्ट मैच में भी आपने देखा 65 रन की इनिंग खेली थी, बहुत ही धुएंदार बैटिंग कर रहे हैं। फिर यहाँ पे बात करूँगा जॉनी बेस्टो की, तो जॉनी बेस्टो भी फ्रेंड्स यहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लास्ट मैच में भी 30 प्लस का स्कोर किया था, लेकिन छोटी पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन T20 के काफ़ी स्पेशलिस्ट बैट्समैन है फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग इन्हें यहाँ पे अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, हम इन दोनों को साथ यहाँ पे जाएंगे। फिर जॉस बटलर की बात करूँ तो इस पिच पे मुझे इनका कोई खास रिकॉर्ड दिखा भी नहीं, प्लस फॉर्म भी अच्छी नहीं चल रही। अगर सपोज दैट अच्छा परफॉर्मेंस कर भी लेते तो सिर्फ 23% लोगों ने यहाँ पे जॉस बटलर को लिया है। आपकी टीम में शायद स्मॉल लीग की टीम में आपको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि आप जॉस बटलर को जरूर से ट्राई करना, क्योंकि ये ओपन करने वाले तो आपके लिए एक स्पेशल से पिक होने वाले हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे बैट्समैन सेक्शन की, तो बैट्समैन सेक्शन में आप लोग देखोगे यहाँ पे 4 बैट्समैन आपके पास अवेलेबल है। पहला नाम यहाँ पे आता है जैसन रॉय का। जैसन रॉय काफ़ी अच्छे बैट्समैन है, काफ़ी अच्छे टच में लग रहे हैं, दोनों मैचों में अच्छा खासा यहाँ पे स्कोर किया है। लास्ट मैच में आपने देखा फ्रेंड्स किस तरीके के स्पीड से यहाँ पे रन बनाए थे। फिर यहाँ पे इयान मॉर्गन की बात करते फ्रेंड्स, कैप्टन अपनी टीम के, और यहाँ पे फ्रेंड्स जब भी टॉप ऑर्डर यहाँ पे फ्लॉप हो रहा है, जैसे कि आपको पता टॉप ऑर्डर ऑलरेडी फ्लॉप हो रहा है जस्ट बटलर जॉनी बेस्टो, तो उस केस में यहाँ पे यार मिडिल ऑर्डर में यहाँ पे इयान मॉर्गन काफ़ी अच्छी यहाँ पे इनिंग खेल ले रहे, दोनों मैचों में ठीक ठाक इनका परफॉर्मेंस रहा। फिर यहाँ पे बात करूँ फ्रेंड्स रुसैन वांडर डुसैन की, तो इस पिच पे रिकॉर्ड भी अच्छा है इनका, प्लस आपके लिए एक स्पेशल पिक यहाँ पे होने वाले, तो आप रुसैन वांडर डुसैन को आप लोग ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे मैंने तंबा बहुआ को लिया फ्रेंड्स, तंबा बहुआ फ्रेंड्स बहुत ही स्पेशल यहाँ पे बन के आए हैं साउथ अफ्रीका के लिए, तो तंबा बहुआ हमारे लिए एक स्पेशल पिक होने वाला है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया फ्रेंड्स, आप लोग आपके पास जो ऑप्शन बचते हैं आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। डेविड मिलर आपके पास एक अच्छे खासे ऑप्शन होने वाले, प्लस जो डैनली आपके पास एक अल्टरनेट ऑप्शन होने वाला है। जो डैनली का रिकॉर्ड में बताऊँ तो इस पिच पे अच्छा खासा रिकॉर्ड है, एक इनिंग में इन्होंने 51 रन की भी इनिंग खेली थी फ्रेंड्स, तो आपके लिए थोड़ा सा ग्राइंडिंग में आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हो जो डैनली जैसे प्लेयर पे। अब बात करेंगे यहाँ पे सिंपली ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ऑलराउंडर सेक्शन में आप लोग देखोगे फ्रेंड्स 2 ऑलराउंडर के साथ में गया हूँ। पहला नाम यहाँ पे बैन स्टॉक का यहाँ पे रिकॉर्ड अच्छा भी है, प्लस टच में भी अच्छी चल रही है। लास्ट मैच में आपने देखा कि बैन स्टॉक ने किस तरीके से बैटिंग बॉलिंग दोनों जगह से अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, बॉलिंग से भी 1 विकेट निकाला, प्लस बैटिंग से भी अच्छा खासा यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन किया। फिर यहाँ पे एंडी फैलकाओ की बात करूँ तो फ्रेंड्स ये कंटिन्यू यहाँ पे विकेट निकाले, लास्ट मैच में भी आपने देखा 2 विकेट निकाले थे, तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे ऑप्शन हमारे लिए हो जाते हैं। इसके अलावा जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है वो यहाँ पे है आपके पास मोइन अली काफ़ी अच्छी
टच में चल रहे हैं, आपको पता है फ्रेंड्स लास्ट मैच में भी अच्छी खासी यहाँ पे इनिंग खेली थी मोइन अली ने, तो मोइन अली आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक होने वाले। लेकिन मैं मोइन अली को क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे टॉप ऑर्डर पूरा इंग्लैंड का कवर किया है, तो यार मेरे नज़र में यहाँ पे मोइन अली की बैटिंग नहीं आएगी। इस केस में फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे मोइन अली को ड्रॉप किया है, प्लस बॉलिंग भी इससे भी कुछ खास यहाँ पे कर नहीं पा रही मोइन अली, तो ये रीज़न है यहाँ पे मोइन अली को ना लेने का। इसके अलावा आपके पास जो दो अच्छे ऑप्शन बचते हैं, पहला नाम है यहाँ पे डेन पोर्टुरेस जो कि अच्छी फॉर्म में चले, लास्ट मैच में आपने देखा अपने ठीक ठाक यहाँ पे परफॉर्मेंस किया। फिर यहाँ पे जे जे स्मार्ट्स भी आपके पास एक ऑप्शन है जो कि ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए अच्छी पिक चॉइस हो सकती है, लेकिन स्मॉल लीग में तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे जे जे स्मार्ट्स को मत लेना। अब बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो बॉलिंग सेक्शन की, तो तीन बॉलर के साथ मैं गया हूँ। पहला नाम है यहाँ पे टॉम करन, जिन्होंने क्योंकि लास्ट डेथ ओवर में यहाँ पे बॉलिंग कराई थी, लास्ट ओवर में फ्रेंड्स इन्होंने दो विकेट निकाले थे, तो हमारे लिए एक स्पेशल पिक हो जाती है क्योंकि लास्ट में बॉलिंग करा रहे, लास्ट में ऑब्वियसली बात है कि विकेट मिल ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स फिर यहाँ पे मार्क वुड को लिया जो कि कंटिन्यू अच्छी टच में चल रहे, लास्ट में जो भी दो विकेट निकाले, तो फ्रेंड्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले मार्क वुड, प्लस पिच भी इनको सपोर्ट करता है, तो आपके लिए अच्छी पिक होने वाले। फिर लोंगी नगेडी की तो बात ही क्या करूँ फ्रेंड्स, इनके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो, लास्ट मैच में यहाँ पे तीन विकेट निकाले थे, तो हमारे लिए अच्छी पिक होने वाली है यहाँ पे लोंगी नगेडी। इनके अलावा जो आपके पास ऑप्शन बचते हैं फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे ले सकते हो क्रिस जॉर्डन को, क्रिस जॉर्डन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्रेडिट का आपको इशू फेस करना पड़ेगा, इसलिए फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्रिस जॉर्डन को नहीं ले पाओगे। अगर क्रिस जॉर्डन को आपको लेना है तो आप यहाँ पे जॉनी बेस्टो या फिर इयान मॉर्गन को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। इयान मॉर्गन को ड्रॉप करके आप लोग यहाँ पे ले सकते हो डेविड मिलर को, तो आप लोग नहीं ले पाओगे, आप लोग यहाँ पे मोइन अली को ले सकते हो, उस केस में आप लोग यहाँ पे मार्क वुड की जगह ले पाओगे फ्रेंड्स यहाँ पे क्रिस जॉर्डन को, या फिर टॉम करन की जगह क्रिस जॉर्डन को। तो मैंने ऑप्शन आपको बता चुका फ्रेंड्स, लेकिन मैं नहीं लूँगा आज के मैच में क्रिस जॉर्डन को। फिर यहाँ पे डेन स्टेन भी आपके पास ऑप्शन है, अगर खेलते हैं तो आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो, लास्ट मैच में नहीं खिलाया गया था। फिर यहाँ पे आदिल राशिद की फॉर्म तो अच्छी चल नहीं रही फ्रेंड्स, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला इनको, सिर्फ 17% लोग ले रहे, लेकिन अच्छे बॉलर है, हो सकता है किसी मैच में विकेट निकाल ले, आज के मैच में विकेट निकाल ले, तो आप ग्रैंड लीग में यहाँ पे रिस्क ले सकते हो यहाँ पे आदिल राशिद के साथ। फिर यहाँ पे ब्रायन हैंड्स, तजमीर शमसी, दोनों आपके पास एक अच्छी चॉइस है, दोनों को आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। बात करें फ्रेंड्स आप लोग सिंपली हम लोग कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो मैक्सिमम जो कैप्टन होने वाले हैं वो होने वाले आज के मैच में क्वांटम डीकॉक, रिकॉर्ड भी अच्छा है लेकिन हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, हम कैप्टन लेंगे यहाँ पे जॉनी बेस्टो को, वाइस कैप्टन हम लेंगे यहाँ पे तंबा बाउमा को। आप यहाँ पे एक और वाइस कैप्टन का ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, आप रुसैन वार्डन डुसैन को भी ले सकते हो, अच्छा यहाँ पे रिकॉर्ड है इनका इस पिच में। फिर बैन स्टॉक भी आपके पास अच्छी खासी चॉइस है, आप बैन स्टॉक को भी यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। सेफर चॉइस चाहिए तो आप लोग यहाँ पे सिंपली क्वांटम डीकॉक को कैप्टन ले सकते हो, वाइस कैप्टन यहाँ पे बैन स्टॉक को ले सकते हो, तो ये आपकी सेफर चॉइस होने वाली है। लेकिन इस टीम के साथ ये लफड़ा है कि ये रिस्क मतलब हमको एक तरफ से क्लैश भी करा सकता और हरा भी सकता, लेकिन जॉनी बेस्टो वाला अगर सपोज दैट हम चार मेंबर में भी जाते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग वहाँ पे इजीली यहाँ पे विन कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स मैं हमेशा अपनी टीम में कुछ ना कुछ रिस्क लेके चलता हूँ, इसी का रीज़न है कि हम लोग मैक्सिमम जो लीग रहते हैं वो हम क्लीन स्वीप करते हैं। तो क्लीन स्वीप करने के लिए फ्रेंड्स आपको अपने स्मॉल लीग की टीम में भी रिस्क लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये मेरी फाइनल टीम है, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा फ्रेंड्स, फाइनल टीम तो ये नहीं है क्योंकि टॉस के बाद कुछ भी अगर चेंज हुआ तो वो सारी अपडेट्स मैं आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको दे रखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे कि आप लोग देख सकते हो, ये मैं जो भी मैच कवर नहीं करता हूं, उनकी मैं यहाँ पे आपको टीम प्रोवाइड कर देता हूं। देख सकते हो जो भी यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती है सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर कर देता हूं। फिर आप लोग हमारी विनिंग भी यहाँ से ट्रैक कर सकते हो, किस तरीके से हमारी यहाँ पे विनिंग चलती है, सेम टीम मैं आपको देता हूं कि नहीं देता हूं, ये भी आप लोग देख सकते हो। फिर जो भी हमारी टिप्स ट्रिक्स रहती है फ्रेंड्स, सारी चीज़ मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो यार काफ़ी कुछ है इस चैनल पे जो आपको ज्वाइन करने के लिए मजबूर कर लेगा, तो आप एक बार जरूर से विजिट करना, पसंद आए तो यार आप लोग ज्वाइन कर लेना, बाकी आपको कोई फोर्स नहीं है कि आपको ज्वाइन करना ही करना। प्लस आपको लास्ट में मैं जाते जाते एक और ऐप के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स, जिस पे कि मेरा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रहता हुआ है यहाँ पे फैंटेसी पावर 11, आप लोगों को मैं यहाँ पे हिस्ट्री में जाके दिखा लेता हूँ सबसे पहले फ्रेंड्स। तो आप प्लेइंग हिस्ट्री में देखोगे सिर्फ 26 मैच, लगभग दो हफ्ते से मैं इस एप्लीकेशन पे खेल रहा हूँ, दो हफ्ते में आप लोग देखोगे मेरी विनिंग यहाँ पे 158,438 रुपये मैं यहाँ से विन कर चुका हूँ दो हफ्ते में फ्रेंड्स। इतनी बड़ी अमाउंट विन करना काफ़ी बड़ी बात है, ड्रीम 11 पे तो मैं नहीं कर पाया फ्रेंड्स इतना ज़्यादा दो हफ्ते में कभी भी अपने 5 साल के कैरियर में, लेकिन इस ऐप पे काफ़ी ज़्यादा इजी है यहाँ पे विन करना, इजी इसलिए फ्रेंड्स आपको इस ऐप के बारे में थोड़ा सा बेनिफिट्स मैं बता देता हूँ। इस ऐप पे फ्रेंड्स थोड़ा सा लेस कंपटीशन है, प्लस आपको यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली आपको टीम बनानी पड़ती है, थोड़ा सा दिखा लेता हूँ फ्रेंड्स आपको। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है कि लेस कंपटीशन है, इजी विनिंग है, लेस एंट्री फीस है, प्लस यहाँ पे इंस्टेंट आपको विड्रॉ मिल जाता है, जैसे आप लोग यहाँ से विड्रॉ करते हैं आपको दिखा भी लेता हूँ फ्रेंड्स कि विड्रॉ कितनी जल्दी है एप्लीकेशन आपको देती है। तो चलिए फ्रेंड्स मेरे चलते हैं थोड़ा सा ट्रांजेक्शन में चलते हैं, देख सकते हो फ्रेंड्स ये कल का मैंने एक विड्रॉ किया था जो कि आप लोग देखोगे यहाँ पे 15:06:50 यानी लगभग 15:07 यानी 3:07 पर मैंने ये विड्रॉ किया। मैं अब चलते हैं मेरे पेटीएम के वॉलेट में, वहाँ पर देखते हैं ये विड्रॉ कितने बजे पहुँचा। तो 15:07 यानी 3:07 पे मैंने विड्रॉ किया और मेरे पासबुक में चलते फ्रेंड्स, ठीक है 5,000 का विड्रॉ था, एक मिनट थोड़ा सा ये स्लो चल रहा फ्रेंड्स, माफ़ी चाहता हूँ। देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेरा विड्रॉ आया है मेरे को
25,000 का फैंटासी पावर 11 से 3:10 पे, यानी 3:07 पे मैंने वो ड्रॉ किया और 3:10 पे यहाँ पे आ गया। एक भी पैसा नहीं काटा, 5,000 का वो ड्रॉ यहाँ था, 5,000 का यहाँ पे देख सकते हो, 5,000 का वो ड्रॉ था और 5,000 मुझे अपने वॉलेट में मिले। तो आपको कोई भी चार्ज यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, आपका लेवल कुछ भी है नो मैटर, आपको इंस्टेंट विड्रॉ यहाँ पे मिल जाता है, आपके बैंक पेटीएम कहीं भी आप लोग ले सकते हो फ्रेंड्स। तो काफ़ी अच्छी मुझे एप्लीकेशन लगी यार, इसलिए मैं यहाँ पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। प्लस डिपॉजिट भी आप लोग करोगे, देख सकते हो यहाँ पे 30% का भी ऑफर है और 100% का भी ऑफर है। तो आप लोग यहाँ पे 100% तक अपना यहाँ पे बोनस यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर बोनस आपको 100% तक मिलता है, यहाँ पे अपना पैसा आपका डबल हो जाता है, फिर आपका बोनस कभी भी एक्सपायर नहीं होता। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा Dream11 में बोनस एक्सपायर हो जाता है फ्रेंड्स। तो बाकी कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए इस ऐप के रिगार्डिंग, जैसे आपका विड्रॉ नहीं आ रहा या फिर आपका पैसे आपने ऐड कर लिए ऐड नहीं हो रहे, तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो या फिर टेलीग्राम पर आके आप लोग मेरे यहाँ पे टेलीग्राम पे भी आप लोग बता सकते हो फ्रेंड्स। तो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा इस ऐप के रिगार्डिंग, क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं आपको डाउनलोड करा तो इस ऐप का, तो यार मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका पूरा सपोर्ट करूं। तो जो भी आपका इश्यू है आप मुझे बता सकते हो, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं यार आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको वीडियो और मेरी टीम वगैरह पसंद आई तो यार इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहली बार इस चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और फ्रेंड्स जिन लोगों ने फैंटेसी पावर 11 को खेलना स्टार्ट नहीं किया तो वो उन लोगों के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, आप लोग उस लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको 100 रुपीज़ का बोनस मिलेगा। बोनस आपको कैसे मिलेगा फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जैसे आप लोग शुरू में यहाँ पे वो करते हो तो आपको एक रेफर कोड डालना GT786, तो GT786 आप लोग जैसे रेफर कोड डालोगे फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ रेफर कोड कैसा है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये GT786 है, सारे आपको यहाँ पे कैपिटल में डालना GT फिर 786 है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको आना है अपने वेरीफाई अकाउंट में, वेरीफाई अकाउंट में जाने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी आपको वेरीफाइड करना है। ईमेल आईडी जैसे आप लोग वेरीफाइड करोगे अपने ईमेल में जाके, तो यार आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ का बोनस मिल जाएगा जिसको आप लोग यहाँ पे पूरी तरह से यूज़ कर पाओगे, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे आके अपने बोनस को पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स जिन लोगों ने नहीं किया तो कर लीजिए। और फ्रेंड्स जाते जाते यही कहूँगा कि काफ़ी बेस्ट ऐप है, कोई भी इशू आता तो मैं आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम वगैरह पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो फ्रेंड्स, या फिर व्हाट्सएप का नंबर भी मैं दे दूंगा तो व्हाट्सएप पे भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आई तो यार चैनल को सब्सक्राइब करते करते जाना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, गुड लक आप सभी लोगों के लिए फ्रेंड्स।